अमृता मैम के साथ अफेयर कैसे हुआ आपका? पहली बार मतलब मुलाकात कहाँ पर हुई? इसी इंटरव्यू के दौरान हुई थी। इंटरव्यू। अच्छा, और डेट कब किया था? पहली बार विचार कब आया था ऐसा? यार सामने से प्रपोजल आया था? नहीं, ऐसा कुछ आपने किया था प्रपोज। अच्छा, जवानी कैसी थी आपकी? कुछ अफेयर वगैरह रहे? जैसे हम लोगों में होता है कि भाई प्यार मोहब्बत वाला मामला है, ऐसा कुछ आपके मन में भी होता है? ऐसा सबके मन में होता है। अच्छा, क्या है जवानी के कुछ शौक भी होते हैं, जैसे शराब पीना एक नया ट्रेंड बन गया है, पब जाना नया ट्रेंड बन गया है, आपको कुछ शौक है? एक आध दो पेग लगा दियो कभी? बाला साहब ठाकरे से आप मिलने गए थे तो वहाँ पर उन्होंने बियर ऑफर की थी आपको, तो पीती कि नहीं पीती? अच्छा, उस समय आप नॉनवेज खाते थे? मैं तो नॉनवेज बचपन से खाता था, मुझे याद नहीं बचपन में मैंने सब्जी या दाल कभी खाई होती। क्या राजगढ़ के लोगों से आपको ये उम्मीद थी कि वो आपको हरा देंगे? इतनी बुरी हार। अच्छा, रोडमल जी कैसे है आपकी नजर में, मतलब कैसे नेता है? ज्यादा पहचान नहीं है उनसे, फिर भी मतलब आपने नेतृत्व तो देखा है, राजगढ़ को देखते हैं आप रोज डेली, लोग आते हैं, कैसी समस्या है आपके सामने रखते हैं? उनका नेतृत्व से रोडमल नागर जी का और विकास से कोई संबंध मुझे नजर नहीं आता। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है दिग्विजय सिंह जी के साथ कि मैं नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू इनसे करने जा रहा हूँ, तो मैं बड़ा कैजुअल रहूंगा सर पूरे इंटरव्यू में। जी, जी, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप भी कैजुअल हो जाएं। जी, जी, जी। क्योंकि ये जो इंटरव्यू है ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो आज हम दिग्विजय सिंह जी से जानेंगे। जो वैसे है ना, दिग्विजय सिंह जी के बिना राजनीति कुछ अधूरी से लगती है और राजनीति के बिना दिग्विजय सिंह जी भी कुछ अधूरे हैं, लेकिन कैसा होगा ये इंटरव्यू जब पूरा नॉन पॉलिटिकल ये इंटरव्यू रहेगा एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिन्होंने राजनीति को जिया है, राजनीति के बिना इनकी जिंदगी अधूरी और इनकी जिंदगी के बिना भारत की राजनीति भी अधूरी। सर बचपन से शुरू करना चाहता हूं आपसे, राजघराने में आप पैदा हुए, कैसा था बचपन? मैं ऐसे ग्रहों में पैदा हुआ कि मेरे जन्म के 6 महीने के अंदर राजपाट चले गए और जागीरदारी समाप्त हो गई, तो इसलिए मैंने वो जीवन देखा ही नहीं राजपाट का। और मेरे पिता जो थे वो मूल रूप से गांधीवादी थे और 1940 से खादी पहनते थे और हमेशा से उन्हें गांधीवादी विचारधारा के साथ चले। कई लोगों ने अनेक तरह से ये भ्रम फैलाया कि वो आरएसएस को समर्थन करते थे, वो हिंदू महासभा को समर्थन करते थे, जबकि उन्होंने कभी इनको समर्थन नहीं किया। हिंदू महासभा कैंडिडेट को तो उन्होंने हराया था 1952 के चुनाव में और कांग्रेस को भी हराया था, क्योंकि 1947 में महात्मा गांधी जी ने जब कॉल दिया कि कांग्रेस को समाप्त खत्म करके रचनात्मक काम में करना चाहिए, तो तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 1952 में निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत के आए। उन्हें फिर मुख्यमंत्री यहां तत्कालीन मध्य भारत के, उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको मंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे इसमें मंत्रिमंडल में कोई ना कोई ऐसा आदमी चाहिए जो इन सब बातों पर विशेषकर ये डिकॉयटेड प्रॉब्लम वगैरह है उसमें देख सके। तो उन्होंने कहा मैं तो कांग्रेस विचारधारा का हूँ, लेकिन 47 तक मैं शराब नहीं पीता था, अब मैं शराब पीने लगा हूँ, तो कांग्रेस के फॉर्म में नशा निषेध की एक कंडीशन होती है और मैं शराब पीने लगा, इसलिए मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, मेरे लिए आप वो कार्ड दो, मैं फॉर्म भर देता हूँ। अच्छा। तो इस विचारधारा के वो थे और उन्होंने लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे। 57 में किया, 62 में किया, फिर 67 में राजमाता सिंधिया का विवाद हो गया द्वारका प्रसाद मिश्रा जी से, तो उन्होंने फिर उन्हें स्वतंत्र पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ी थी, वो तो उनको सपोर्ट किया राजमाता सिंधिया को। अच्छा दिग्विजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बचपन कैसा था आपका? हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े बंदे,
हम अंटी खेलते थे, आपने खेली है कभी? बात यह है कि मेरा मेरा जीवन 4.5 साल के पहले और 4.5 साल के बाद अलग रहा। 4.5 साल की उम्र में मैं बोर्डिंग भेज दिया गया। उसके पहले तो थोड़ी बहुत यादें रहती हैं, 4.5 साल की उम्र के बच्चे को ज़्यादा याद रहता नहीं है। लेकिन हाँ, पिताजी के साथ जंगलों में जाते थे, शिकार विकार वो खेलते थे, देखते थे, तो वाइल्ड लाइफ का शौक मुझे तब से आज भी है। पहले तो शिकार विकार खेली, उसके बाद अब मैं फोटोग्राफी करता हूँ। अच्छा, ये जैसे नॉर्मल गेम जैसे गिल्ली डंडा, अंटी, हाँ, और हम क्या खेलते करते थे कि हम गिल्ली डंडा जो खेलते थे, जी और वहां पर एक कपड़े की गेंद बना के हम राला मंडल, एक खेल होता है जो कि बेसबॉल सरी का होता है, कि उसको मारो और फिर राउंड लगाना पड़ता है, और बीच में कोई आ गया तो उसको फिर अगर आपने उसकी बॉडी पर मार दिया तो आउट, उसको राला मंडल कहते थे। बहुत खेलते थे हमारे गाँव के लोग, फुटबॉल खेलते थे बच्चों के साथ। लेकिन ये तब सब हुआ चालू जब मैं छुट्टी पे आता था। 4.5 साल के पहले मुझे का बहुत जीवन मुझे याद नहीं है। बचपन आपने नहीं जिया ऐसे, जैसे हम, जैसे पत्ती जो होती है ना, जो मतलब एक माचिस की डिब्बी होती है उसमें से हम पत्तियां बना लिया करते थे, देखिए, और वो बात उसका देखो, गेम, मतलब इस तरह का गेम, राजा महाराजाओं में कैसे गेम होते थे, मैं ये राजा जानना चाह रहा हूँ। महाराजाओं में, वैसे तो मेरे घर में राजा महाराजा का वातावरण था ही नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने तो हमारे जो किले में मंदिर है वहाँ दलितों का प्रवेश 41-42 में ही करा दिया था। तो आज भी हमारे यहाँ मंदिरों में कहीं छुआछूत नहीं होती है, तब से लेकर आज तक। तो ये बड़े प्रोग्रेसिव माइंड के मेरे पिताजी थे, और उन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर मुझे बोर्डिंग में भेज दिया। इतना मुझे जरूर याद है कि जब मेरी माँ और मेरे पिताजी मुझे स्कूल छोड़ने गए तो मैं बड़ा रोया, और दूसरे दिन सुबह उठ के मैं भाग गया वहाँ से। तो फिर पकड़ लिया गया, क्योंकि वहाँ का जो जो नौकर था वो हमारे राहुगढ़ से एक हमारे लोग थे, उनके रिश्तेदार था वो, तो उसको पकड़ के वापस ले आया। तो जब 2 महीने 2.5 महीने बाद जब मुझे मेरी माँ लेने आई तो मैं उनको देख के मुंह फेर के चला गया। तो गुस्सा था मेरे में कि मुझे छोड़ के क्यों चले गए। तो फिर दौड़ के मुझे पकड़ा उन्होंने, तो मैं उनसे काफी लड़ा कि आप मुझे छोड़ के क्यों गए। लेकिन तब से मेरा बचपन जो है स्कूल में बीता, अच्छा, और स्कूलिंग में उसके सैनिक साथ वगैरह रहते थे क्या? आपके पीछे सैनिक रहते थे क्या स्कूल कहा में? कि ऐसा सैनिक, कुछ यार आज लोग भी पूछते हैं आज भी सैनिक नहीं कि रहते मेरे पास, कहाँ सैनिक रहते हैं। उस समय में तो रहते होंगे। नहीं, कोई सैनिक नहीं, नहीं, कोई सैनिक ना पहले थे ना अब थे। और स्कूल में तो बोर्डिंग स्कूल में कहा कि सैनिक, हम तो सारे लोग के साथ अलग मिलते से थे। ट्रीटमेंट मिलता था दिग्विजय जी को? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं खुद के कपड़े खुद धोए? ना, हम लोगों का बोर्डिंग स्कूल में धोबी कपड़े धोता था, और हम लोग तो मैंने तो ये मैं भाग्यशाली रहा, लेकिन मैंने वो कभी अपने कपड़े मेरे को धोने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बोर्डिंग में भी और बोर्डिंग के बाद भी। अच्छा, जवानी कैसी थी आपकी? कुछ अफेयर वगैरह रहे हैं? अफेयर का तो मैं तुमको बताऊंगा क्या, नहीं, नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू, थोड़ा डिटेल में नॉन जाने की नॉन आवश्यकता पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल भले ही हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपना पर्सनल लाइफ सबको बताऊंगा, तो है। मैं तो पर्सनल लाइफ जानने आया हूँ आज आपकी, आपको निराशा मिलेगी। पक्का। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत होता है, जैसे हम लोगों में होता है कि भाई प्यार मोहब्बत वाला मामला है, ऐसा कुछ आपके मन में भी होता है? नहीं, देखिए वैसा सबके बहुत मन में होता है, लेकिन मैं कॉलेज से निकल के आया, उसके बाद मेरी शादी हो गई 22 साल की उम्र में। झगड़े से तो नहीं डर रहे घर पर? देखो मेरी बात सुनो, मैं 22 साल का था और मेरी स्वर्गीय पत्नी आशा 17 साल की थी, 18 साल की थी। हम लोगों का दाम्पत्य जीवन 1969 से लेकर 2013 तक ऐसा रहा कि झगड़ा तो छोड़ दो, मतभेद भी सवाल पैदा नहीं होता है। और मैं भाग्यशाली रहा जो मुझे ऐसी पत्नी मिली, और उन्होंने कभी भी कहीं विवाद हम लोगों के बीच में नहीं रहा। एक ही बात का
वो रहता था कि राजनीति में आने के बाद फिर व्यक्ति का निजी जीवन कम हो जाता है और लोगों के साथ समय ज़्यादा बिताना पड़ता है। जब मैं मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई तो उन दिनों मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था। तिरुपति में हम लोगों का AICC सम्मेलन हुआ। उस AICC सम्मेलन में अर्जुन सिंह जी वर्किंग कमेटी के मेंबर का चुनाव लड़ रहे थे और मैं उनका चुनाव एजेंट था। तो मुझे याद है 24 अप्रैल को मेरे बड़ी बेटी का विवाह था, 21 अप्रैल को वो चुनाव था, 22 अप्रैल को गणेश पूजन गणेश स्थापना होनी थी राघोगढ़ में। तो वहाँ से तिरुपति से आने के लिए, तब तो इतने कनेक्शन ट्रेन फ्लाइट कनेक्शन नहीं थे, तो मैं वहाँ 23 तारीख को पहुँचा बारात आने के एक दिन पहले। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी आशा ने तलवार के साथ गठबंधन जोड़ के उन्होंने गणेश पूजन की, क्योंकि उस जमाने में हम लोगों के राजपूतों के अंदर होता है कि भाई कोई धार्मिक काम हो रहा है और पति लड़ाई के लिए चला गया, तो तलवार के साथ गठजोड़ पूजा हो जाती थी। तो वही हमारे गणेश पूजन की स्थापना तलवार के साथ हुई। मैं 23 तारीख को आया तो मेरी बड़ी बहन ने मेरा स्वागत किया जैसे मेहमानों का स्वागत किया जाता है, बड़ी मजाकिया थी वो मेरे पिता जैसी, तो उन्होंने मेरा स्वागत ले खड़ी होगी टीका लगाया कि आप मेहमान पधारे हैं मेरे घर में। तो इसी तरह से नंबर 2 की शादी मेरी, जब मेरी बेटी की शादी हुई तब उसकी शादी थी 9 तारीख को दिसंबर, 5 तारीख को मैं कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री चुना गया, 7 दिसंबर को मेरी ओथ हुई और 9 तारीख को मेरी बेटी की शादी हुई। अब आप समझ सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के PCC प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव लड़वा रहा था पूरे स्टेट में और मैं इलेक्ट हुआ। तो जो तैयारी होती शादियों की वो कौन ने की? मेरी पत्नी ने की। तीसरी शादी जब हुई तब चुनाव चला हुआ था लोकसभा का 96 में, और तब मैं अकेला कैंपेन करना था क्योंकि उस समय 96 के इलेक्शन में कमलनाथ जी, माधवराव सिंधिया, इन पर सब पर इनके खिलाफ वो एक वो डायरी में नाम आ गया था जिसकी वजह से उनको टिकट नरसिम्हा राव जी ने नहीं दिए। उस समय अकेला और पूरा कैंपेन करना और सारी व्यवस्था करना सब में, उस समय तीसरी लड़की की शादी हुई। तो मुझे 2 दिन के लिए मैं कैंपेन छोड़ के आया और शादी करके करवा के चला गया। उसकी तैयारी भी पूरी आशा ने की। चौथी बेटी की जब शादी हुई तब मैं इंचार्ज था बिहार का, वहाँ चुनाव चला हुआ था और लालू जी को सपोर्ट हम लोग कर रहे थे, वो भी कैंपेन के समय उसका डेट निकली शादी की। तो मेरे छोटे दामाद तीसरे नंबर दामाद ने मजाक में कहा कि ऐसा करते हैं कि शादी अपन गांधी मैदान पटना में करते हैं। तो इस तरह का माहौल मेरे जीवन में रहा। और इसमें अगर मेरी स्वर्गीय पत्नी ने मेरा तैयारी साथ नहीं दिया होता तो बड़ा मुश्किल होता मेरे राज्य में। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाग्यशाली रहा कि मेरा दाम्पत्य जीवन अद्भुत रहा। कोई शिकायत नहीं? जैसे पत्नियों से बड़े जोक आते हैं आजकल तो कि लड़ाई झगड़े हो रही है, सवाल ही नहीं उठता। कैसे मैनेज किया आपने? मैंने क्योंकि मेरे और मेरी पत्नी के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग रहा करती थी कि भाई आपके काम में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी, मेरे काम में वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो खाना मेरे घर में कौन सा बनेगा तो मैं कुक को आदेश नहीं दे सकता था, मैं उनको कहता था कि मेरे लिए खाना बनवाओ। आजकल की पत्नियां मानती नहीं है सर, मेरी भी नहीं मानती। नहीं मानती तो आप दुर्भाग्यशाली है। ऐसा मत कहो, मेरे घर लड़ाई हो जाएगी अभी। मैं अगर दिल्ली रहा और वो भोपाल में,
तो दिल्ली के कुक में क्या खाना पकना, मैं उसको फोन करके कहता था उसको बता दो मेरा ये खाना बना दे, और वो कभी राजनीति में कभी आपको इंटरफेयर ही नहीं किया कभी भी, कभी नहीं किया, सवाल ही नहीं उठता। पत्नियां डरती बड़ी है कि आप ऐसा काम करते हो, आप मतलब डरी नहीं कभी आपकी नहीं, वाइफ? कभी नहीं, वो इस मामले में बहुत बात। अच्छा, क्या है जवानी के कुछ शौक भी होते हैं, जैसे शराब पीना एक नया ट्रेंड बन गया है, पब जाना नया ट्रेंड बन गया, आपके कुछ शौक रहे ऐसे? बात यह है कि मैंने इतने लोगों को शराब पीते हुए देखा और शराब पी के ऐसी हरकतें करते देखा कि मुझे तो नफरत हो गई शराब से, तो इसलिए मैंने शराब पी ही नहीं। कभी नहीं ट्राई भी नहीं की, एक आध दो पेग लगा दियो कभी? देखो बात यह है, मुझे किसी ने एक दिन पिलाने की कोशिश की, विस्की विस्की पिलाने की कोशिश की, मनवार वनवार होता है ना हमारे हाँ हाँ यहाँ, कि यार दोस्त के लिए एक हाँ पैक बस। तो मनवार पैग नहीं, तो मैंने घूटी, मुझे कड़वी लगी, तो मैंने कहा भाई मैं इस चक्कर, मुझे स्कूल में सिगरेट पीने के लिए हमारे दोस्तों के सिगरेट पियो, तो उस सिगरेट का धुआं आंखों में जाने लगा, तो फिर मैंने कहा छोड़ो मुझे ये मजा नहीं आया, इसलिए ना मैंने सिगरेट पी और ना मैंने शराब पी, दूर रहे हमेशा दिग्विजय सिंह। हमने मुझे एक पसंद नहीं किस्सा आया। आपके बारे में मैंने बड़ा पढ़ा है, मतलब इंटरनेट पे, पता नहीं झूठ हो सच हो, बाला साहब ठाकरे से आप मिलने गए थे तो वहां पर उन्होंने बियर ऑफर की थी हाँ, आपको, तो पीती कि नहीं पीती? नहीं, बाला साहब असल में उद्धव ठाकरे और मेरी मित्रता रही, कारण ये रहा कि उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक था। जब मैं मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर बना, तो मनोहर जोशी जी शिवसेना के नेता थे, वो स्पीकर थे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो मेरे पास उनका फोन आया, जोशी जी, हम उनको सर बोलते थे, तो क्योंकि वो कोचिंग क्लास चलाते, बड़े सक्सेसफुल कोचिंग क्लास चलाते थे, उनका फोन आया कि दिग्विजय जी ये उद्धव जी को शौक है वाइल्ड लाइफ का, फोटोग्राफी का, तो आप उनकी व्यवस्था कुछ करा दीजिए। मैंने कहा चलिए बड़ी खुशी की बात है, मुझे भी शौक है फोटोग्राफी का, तो मैंने उन्हें परमानेंट स्टेट गेस्ट बना दिया था मध्य प्रदेश का, जब भी वो फोटोग्राफी करने आए उनको पूरी तरीके से हमारे स्टेट गेस्ट की तरफ से रखा जाता था, क्योंकि वो व्यक्ति उद्धव ठाकरे जी बेहद शरीफ आदमी है, और मेरा तो उनसे परिचय रहा उस समय से, अच्छा, आज को भी मतलब इंडिया गठबंधन से पहले कि बाद वो में भी बहुत बहुत शरीफ पहले, बहुत वो हमारे जबकि थे? शिवसेना कांग्रेस की पटती नहीं थी, तब की बात मैं कर रहा हूँ, अच्छा, जब भी शरीफ ही थे ना, मतलब। तब भी और आज भी है, ऐसा नहीं, देखो पार्टी बेसिस पे व्यक्ति का मैं आकलन नहीं करता, मेरी मित्रता आज भी भाजपा के कई लोगों से है, आरएसएस के कई लोगों से है, इसका हमने मत देखा अंबानी जी की शादी में आप कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ बैठे देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी से थे। मेरा संबंध बहुत पुराना है, जब मैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर था उसके पहले भी था, वो आदमी पॉलिटिकल है तो ठीक है अपना रहता है, तो उस समय उद्धव ठाकरे जी के साथ मेरे संबंध रहे, और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ बिल्कुल। मैं, उस समय लैपटॉप का जमाना था, तो मैं मुंबई गया हुआ था एज चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने मेरे पास पहला लैपटॉप मुझे गिफ्ट उद्धव ठाकरे जी ने किया था। अरे क्या बात है। तो ये जो बियर वाला जो मामला है वो थोड़ा सा पूरा हाँ कीजिए ना, तो ऑफर ठुकराया कि वो बस? उन्होंने कहा कि बाला साहब आपसे मिलना चाहते, उद्धव जी ने कहा, मैंने कहा मैं सरकारी गाड़ी में तो नहीं आऊंगा, आपकी गाड़ी भेजिए, मैं बिना सिक्योरिटी के आऊंगा, अच्छा, तो मैं बिना सिक्योरिटी गया बाला साहब से मिलने के लिए, बाला साहब बड़े बड़े अच्छी तरीके से मिले, उनकी जो बिल्डिंग में गया मैं, तो बियर का शौकीन थे वो, तो मुझे कहा कि चलो क्या बियर लोगे विस्की लोगे, मैंने कहा बाला साहब मैं तो टी टोटलर हूँ, कैसे ठाकुर हो तुम तो? टी टोटलर हो, मैंने कहा मैं तो पीता नहीं हूँ, मेरे बाप दादा ने इतनी शराब पी ली कि मुझे पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मैं वैसे ही नशे में रहता हूँ। खैर बड़ा अच्छा उनका व्यवहार रहा, और उन दिनों में मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैं वेजिटेरियन हो गया था, तो उन्होंने कहा अच्छा क्या लोगे तुम, क्या
नॉन वेज भी, ये भी है ये भी है। मैंने कहा वाला साहब मैं वेजिटेरियन। अरे तुम कैसे ठाकुर हो, ना तुम शराब पीते हो ना तुम वेज नॉन वेज खाते हो। खैर इस तरह से उनका साथ संबंध रहा मेरा। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे लेकिन वो। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे और क्लियर हेडेड भी थे, पॉलिटिकल थे। हालांकि उनकी विचारधारा से ना मैंने तब सहमति हुई कभी भी, और इस बात को मैं स्वयं कहता था कि मैं आपके इस विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। लेकिन उद्धव से मेरी जी से मेरी मुलाकात दूसरे किस्म की थी। और एक बात तो ऐसा वाक्य हो गया कि उस समय हमारे एमएलए को टूट के जा रहे थे शिवसेना में, और सरकार हमारी गिराने की स्थिति में आ गई थी। तो मेरे पास मैसेज आया कि कुछ हमारे कांग्रेस एमएलए को इंदौर शिफ्ट करना है। पहले गुजरात के एमएलए को शिफ्ट किया गया था हमारे यहाँ। उस समय जब मेरे पास ये फोन आया, उस समय मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, लैंडलाइन फोन होते थे। तो उस समय हमारे जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के 4 कमरे थे, 2 कमरों में उद्धव ठाकरे रुके थे, 2 कमरों में रुका हुआ था, क्योंकि उन्होंने वहाँ एम्बुलेंस भेंट की थी। तो उधर उनके पास फोन आ रहे थे शिवसेना के, इधर मेरे पास फोन आ रहे थे कांग्रेस पार्टी के। ना उन्होंने बिंदु मुद्दा उठाया ना मैंने मुद्दा उठाया, लेकिन हमारे साथ में फोटोग्राफी चलती रही। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा और समय लूंगा आपका, थोड़ा सा मतलब अमृता मैम के साथ अफेयर कैसे हुआ आपका, ये काफी लोग जानना देखिए चाहते हैं। बात यह है, अमृता का जहाँ तक सवाल है, वो एक अच्छी पत्रकारिता रही, पत्रकार रही। तो पत्रकार के साथ मेरी मुलाकात हुई, ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक समय आता है जब उसको कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। और आशा के दुखद देहांत के बाद एक शून्यता आ गई थी मेरे जीवन में। उस समय इनसे मुलाकात हुई, और फिर उसका भी एक उसका जीवन चला हुआ था एक शून्यता का। उसके जीवन उसके उनके हस्बैंड से बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी, तो ठीक है मुलाकात हुई। ये थोड़ा सा डिटेल में बताइए ना सर, इसमें कोई डिटेल क्या कैसे होता है? पहली बार कहाँ मिले थे आप लोग, पहली बार मतलब मुलाकात कहाँ पर हुई थी, ये इसे इंटरव्यू के दौरान हुई थी या इंटरव्यू फिर। इंटरव्यू अच्छा, और डेट कब किया था, पहली बार विचार कब आया था, ऐसा ये मुझे याद नहीं थे। सामने से प्रपोजल आया था, नहीं ऐसा कुछ आपने किया था प्रपोज देखिए बात ये सब बातें जो है थोड़ा सा तो बताइए नहीं, सर निजी जीवन को मैं डिस्कस नहीं करता। नहीं थोड़ा सा बताइए, हम निजी जीवन जानने ही आए हैं आपका आपको निराशा मिलेगी। फिर से वही बात दिग्विजय सिंह जी बड़े चालाक है लेकिन आप आपकी नजर में हो सकता हूँ। नहीं वैसे नहीं, जवाबों की नजर में, मेरी नजर में तो क्या, मेरी नजर में बहुत अच्छे ठीक इंसान है ठीक आप, ठीक ठीक आपने हमें समय दिया कम से कम नहीं कोई बात ही वो नहीं। चीज़ें तो। अच्छा सर, एक दो सवाल और है फिर एंड करता हूँ मैं। राजनीति में एंट्री कैसी हुई आपकी, कैसे आपने सोचा कि मैं मैं। तो राजनीति में आना ही नहीं चाहता था। मैं तो यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी इलेक्शन में वोट डालने नहीं जाता था मैं। अच्छा हाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, 4 यूनिवर्सिटी 4 गेम्स यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करता था। क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वाश में रैंकिंग थी मेरी, टेनिस में यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करता था। तो इंजीनियरिंग की स्टडीज़ के बाद स्पोर्ट्स में ज़्यादा समय जाता था। तो मेरे फर्स्ट ईयर में तो मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी। तो मुझे तो जो लिस्ट टंगी तो शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस में मेरा नाम आ गया कि आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो मैं प्रिंसिपल साहब के पास गया। डॉक्टर दासगुप्ता बड़े स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हुआ करते थे उसके। मैं गया कि साहब मैं आपके कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हॉकी में किया, क्रिकेट में किया, सब किया, उसमें अटेंडेंस मेरी शॉर्ट हो गई। कहने के दिग्विजय तुम जो हो ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये तुम अभी डेली कॉलेज में नहीं हो। तुम इस इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर तुम पढ़ाई नहीं करो पास नहीं होंगे। मैंने कहा आप बैठने की इजाज़त दे दीजिए, पास होगा तो पास होंगे, फेल होगा तो फेल होंगे। कहने लगे अच्छा तुम पास हो जाओगे। मैंने कहा ना सर, पास होंगे मेरे को फर्स्ट डिवीजन आएगा। अच्छा
अच्छा करो जाओ, परमिशन दे दी, परमिशन दी और मेरी फर्स्ट डिवीजन आई और लगातार 5 साल आई। अच्छा, तो फिर राजनीति का सुझाव किसने दिया आपको? अरे मेरे फादर का दुखद देहांत, मैं फाइनल ईयर में था तब ये उनका देहांत हो गया। मैंने तो अपना एडमिशन के लिए इलिनॉय यूनिवर्सिटी में, मैंने उस पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहा था, वहाँ से मुझे वहाँ से एडमिशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था, वो हो भी जाता कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मदर ने फिर कहा कि नहीं अब तुम यहीं रहो। विरासत में मिली राजनीति की? नहीं देखिए, अब कहीं तो देखिए कि मेरे पिताजी की विरासत तो थी, राजनीति से जुड़े हुए थे, राजनीति से एमएलए थे, एक्स एमएलए रहे, 1952 में एमएलए थे वो, लेकिन मैं पहला चुनाव लड़ा 77 में, तो वहाँ की नगर पालिका ने निर्विरोध मुझे अध्यक्ष बना दिया। उसमें तीन जनसंघ के जीते थे, 3 कांग्रेस के और 2 निर्दलीय, तो 8 पार्षदों ने मिलकर मुझे अध्यक्ष बना दिया। तब कोई भी वोटर भी बन सकता था, उसको पार्षद होने की आवश्यकता नहीं थी, तो मैं अध्यक्ष बन गया। फिर मेरे पीछे पड़े राजमाता साहब सिंधिया, जनसंघ ज्वाइन करो, कुशाभाऊ ठाकरे मेरे घर आए, कैलाश सारंग जी मेरे घर आए, मुझे जनसंघ ज्वाइन करने के लिए कहा। गुलवलकर जी, सावरकर जी की किताबें मेरे पास छोड़ गए पढ़ने के लिए। पढ़ने का शौक था आपको? पढ़ने का शौक तो था, तब भी था, आज भी है। इसी बीच में डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, संविधान सरकार थी, वो शिकार खेलने आया करते थे गुना में, उस समय शिकार अलाउड थी, ब्लॉक को ले लेते थे। उनको मालूम पड़ा कि मुझे जनसंघ ज्वाइन करा रहे हैं लोग, तो उन्होंने कहा कि तुम पहले नेहरू को पढ़ो, गांधी को पढ़ो, और रामधारी सिंह दिनकर जी की अगर देश को जानना है तो संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ो और उसके बाद निर्णय करो। मैंने इनके साथ दौरा भी किया, कैलाश सारंग जी मुझे दौरा कराने ले गए शाहजहाँपुर राजगढ़ इलाके में, गया भी मैं इनके साथ, लेकिन लौटने के बाद मुझे लगा कि भाई हाँ मेरी बात बनी, क्योंकि मेरे स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में मेरे दोस्त लोग मुसलमान भी थे, ईसाई भी, सभी तरह थे, गेम्स खेलते थे, साथ बैठ के गपशप करते थे, कभी हमारे बीच में इस बात की हुई नहीं। तो मैंने कहा भाई हिंदू मुसलमान कभी हुआ नहीं है? कभी नहीं हुआ, मैं तो दोस्तों के बीच में कभी नहीं हुआ, सवाल ही नहीं उठता है। और उस समय जब इनके रोजे होते थे तो सुबह इनके लिए कबाब बनते थे और बड़ा बढ़िया मीट बनता था, तो उनके साथ सुबह 4:30 बजे उठ के हम इनके साथ कबाब खाया करते थे। अच्छा, उस समय आप नॉनवेज खाते थे? नहीं, मैं तो नॉनवेज बचपन से खाता था, मुझे याद नहीं बचपन में मैंने सब्जी या दाल कभी खाई हो जीवन में। अच्छा, इवन बोर्डिंग हाउस में, लेकिन हाँ मैं बीच में 10 साल के लिए वेजिटेरियन हो गया था, और अब साल भर से मैं वेजिटेरियन फिर से हो गया हूँ, एक हो गया काफी दिन नॉनवेजिटेरियन खा लिया। तो बॉडी में कमजोरी दिग्विजय सिंह के अभी? कोई एनर्जेटिक वैसे के वैसे ही, तब भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। अच्छा, जिंदगी का मतलब अभी तक सेटिस्फाइड है आप? इतना लंबा अनुभव आपका रहा लाइफ में, जब हम सोचते हैं कि भाई हम 77 साल के होंगे तो होंगे कि नहीं होंगे यही नहीं पता अभी तो, बट दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ। मैं हमेशा भविष्य देखता हूँ और रोज सुबह उठता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे आज एक और दिन दिया है, ये पक्की बात है, पक्की बात। अच्छा, बस 2 सवाल राजनीति को लेकर, क्योंकि आप मतलब राजनीति को लेकर तो करना पड़ेगा भले नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू है, राजगढ़ को लेकर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, हमारा पूरा चैनल डेडिकेटेड है राजगढ़ के लिए। राजगढ़ का चुनाव आप हारे, ये मैं राजगढ़ का पत्रकार होते हुए भी मुझे बात हजम नहीं हो रही पर्सनल तौर पर, और दूसरा ये कि क्या राजगढ़ के लोगों से आपको ये उम्मीद थी कि वो आपको हरा देंगे, इतनी बुरी हार? राजगढ़, शाजापुर, मालवा जो है ये आरएसएस की नर्सरी है, जनसंघ का गढ़ है, और मैं मूल रूप से इस विचारधारा का विरोधी हूं, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे जिताया भी
एक बार हराया भी, फिर मेरे भाई को जिताते रहे, फिर नारायण सिंह जी को जिताया। नहीं लेकिन आखिरी बार चुनाव होता है, लेकिन मेरा जो जीवित संपर्क राजगढ़ से होना चाहिए था वो नहीं था, क्योंकि मैं पिछला चुनाव राजगढ़ से लड़ा था 91 में, तो 91 से लेकर और 2003 तक तो मैं चीफ मिनिस्टर रहा तो संपर्क रहता था, 2003 से लेकर 24 से 21 साल तक मेरा वो संपर्क भी टूट गया था। उसके बावजूद भी मुझे राजगढ़ के लोग तो रोज मुझसे मिलते हैं, जो भी आता हूँ उनसे मिलता हूँ, और किसी कोई शिकायत आज तक जीवन मेरी नहीं हुई कि दिग्विजय सिंह से मिलना चाहते उनको नहीं मिल पाए होंगे, रोज मिलता हूँ मैं लोगों से। तो मुझे इतनी उम्मीद थी कि हाँ 4.5 लाख की गड्ढा कैसे पूरा करेंगे, लेकिन उम्मीद थी कि शायद हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो मेरे जीवन में मैंने हार जीत को कभी महत्व नहीं दिया, मैं गेम्स खेलता रहा हूँ, जब गेम्स होते हैं तो एक हारता एक जीतता है, ना मेरे जीतने में बहुत ज्यादा मैं खुशी रही ना हारने मुझे कोई दुख रहा, मैं हार जीत जीवन में एक अंग मानता हूँ जीवन का, इसमें ना मैं कभी घबराता। दिग्विजय सिंह जी सच में दुख नहीं हुआ आपको? बात यह कि जनता चाहती है, जनता ने मुझे नहीं चाहा, खत्म हुई बात, सिंपल। बस यहाँ तक ही दायरा रहता है आपका? मेरा हमेशा से मैं आगे देखता हूँ, जो गीता का संदेश है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, कर्म पे विश्वास रखो, और जो जो तुम काम कर रहे हो उसका क्या फैसला होगा वो मुझ पर छोड़ो, तो मैंने उस पर छोड़ा हुआ है। राजगढ़ में गड़बड़ी का आरोप भी आपने लगाया अभी हाई कोर्ट में याचिका। मैंने मेरी लड़ाई ईवीएम की है, 2003 से मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं करता, कारण यह है कि मैं बटन दबाऊं वोट कहां गया, ये मेरा अधिकार है कि जहां मैं वोट चाहूं वहां वोट जाए और वो वोट की गिनती हो। मैं ईवीएम का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा, जीत भी जाता तो मैं पिटीशन लगाता दूसरे किस्म की इलेक्शन कमीशन पर, आज उसी पे लगाया मैंने, कोई करप्ट प्रैक्टिस पे मैंने रोडमल नागर के खिलाफ ने नहीं लगाया, मैंने पिटीशन लगाई है चुनाव आयोग के। अच्छा रोडमल जी कैसे है आपकी नजर में, मतलब कैसे नेता है? ज्यादा पहचान नहीं है उनसे, फिर भी मतलब आपने नेतृत्व तो देखा है, राजगढ़ को तो देखते हैं आप रोज डेली, लोग आते हैं, कैसी समस्या है आपके सामने रखते हैं? उनका नेता नेतृत्व से रोडमल नागर जी का और विकास से कोई संबंध मुझे नजर नहीं आता। क्या कमी नजर आती है दिग्विजय सिंह को? क्या अच्छाई नजर आती है मुझे दिखा दो। मैं तो नहीं गिना पाया अभी तक। मैं खुद विफल हूं उसमें, इसीलिए लोग मुझे बोलते हैं भाई कांग्रेस ज्वाइन कर ले, लाखों कमेंट आएंगे अभी इसमें। लेकिन सर आपने मुझे समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, और ये नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू होना था लेकिन बहुत सारी बातें बहुत सारा अनुभव आपके जीवन का मैं लेकर जा रहा हूँ। और दिग्विजय सिंह जी आपसे एक अंत में बस यही है कि जब भी आपसे मिलता हूँ, मैं 2-3 बार मुलाकात हुई है, एक तो मेरी प्रियव्रत सिंह जी के किले पर पहली बार मुलाकात हुई थी, मुझे सरदार वल्लभ भाई की पटेल जो है वो ऐसी शॉल आपने डाल रखी थी, वो छवि मुझे आज भी रात में नजर आती है कई बार। कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल? नहीं वाकई में वैसा ही मुझे कई दिनों तक वो घूमा, मैं घर पे भी शेयर करता था कि नहीं बड़े ओजस्वी हैं आप और बड़े एनर्जेटिक पर्सन है, और लाइफ में मतलब कुछ सीखे, कोई सीखे या ना सीखे, मैं तो दिग्विजय सिंह जी से इंस्पायर हूँ, और एक पत्रकार भी एक नेता से इंस्पायर हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। नहीं आलोचना करा करो, आलोचक भी होना, देखिए पत्रकार को आलोचना भी करना चाहिए, भरपूर करता हूँ सर मैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ मैंने जीवन में आज तक किसी भी पत्रकार के खिलाफ मुझे मेरे मन में एक शिकायत नहीं रही कि तुमने मेरी आलोचना क्यों की। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, हमारे हरतोष बल जो है वो बड़ा अच्छा सीनियर पत्रकार है, वो मैं मुख्यमंत्री था तब, वो इंडियन एक्सप्रेस का पहली पोस्टिंग उसकी हुई एज करस्पॉन्डेंट, मतलब वो उसको मैं बचपन से जानता था क्योंकि उसके पिता बल साहब हमारे एसपी हुआ करते थे, तो उनके परिवार से मेरा बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रहा।
तो हरतोष तो था, 7-8 साल का बच्चा था, तब से मैं उसको जानता हूँ। और पहली रिपोर्ट उसने मेरे खिलाफ बनाई इंडियन एक्सप्रेस में, शिवपुरी के अंदर आदिवासी आदिवासियों कुपोषण की, बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई उसने, और वाकई में आई ओपनिंग थी मेरे लिए। हालांकि मैं जानता था कुपोषण, लेकिन इस प्रकार से होगा मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा हरतोष को बुलाओ, चाय पिलाएंगे उसको। तो बेचारा घबरा हुआ मेरे पास आया, पता नहीं मुख्यमंत्री डांटेगा क्या करेगा। मैंने उसका पीठ पीठ ठोकी, मैंने कहा शाबाश, तूने बड़ी अच्छी रिपोर्ट की है, और मैं तुम्हारे पिताजी को मैंने फोन किया है, तुम्हारी तारीफ की है मैंने। वो तब उसमें वहां पे रिटायर हो गए थे। तो मैंने हमेशा से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैंने अपना जीवन जिया है। मेरा कोई परमानेंट दुश्मन और परमानेंट दोस्त मतलब है, दोस्त मेरे हैं, लेकिन दुश्मनी मैंने किसी से नहीं पाली। एक व्यक्ति भी बता दो जिसका मैंने भाजपा का मेरे मुख्यमंत्री काल में मैंने उसका नुकसान किया हो, एक भी व्यक्ति। जो मेरे आलोचक हुआ करते थे वो कभी मदद करता था, चाहे शिवराज सिंह चौहान तो बच्चे थे उस समय, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की, हमेशा से उनका सहयोग किया। हाँ, एक प्रहलाद पटेल के साथ थोड़ा सा मैं बाद में मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि उनके गुरु के और मेरे गुरु का झगड़ा चला हुआ था। अच्छा। मेरे गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज और उनके एक चौरसिया जी गुरु जी हुआ करते थे, कुछ उनका विवाद था। उस विवाद को लेकर थोड़ा बहुत हो सकता है मेरे मुख्यमंत्री काल में उनको मैंने नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन मैं प्रहलाद पटेल की इस बारे में तारीफ करूंगा कि उसने भी कभी बुरा नहीं माना। तो इसलिए मेरे संबंध बड़े मित्रता के सबके साथ रहे, और मैं राजनीति को दुश्मनी में ध्यान नहीं ले जाता। हाँ, कोई गड़बड़ करता है तो मैं उसको छोड़ता भी नहीं हूँ राजनैतिक रूप से, निजी तौर पर नहीं। निजी तौर पे क्षति नहीं पहुंचाते आप? कभी नहीं। आजकल ऐसा होता है दिग्विजय जी? वो तो मैं कहता हूं कि पत्रकार को उठवा लिए, इसको उठवा लिए, ऐसा होता है? मैं तो कहता हूं कि ये समय पता नहीं कैसा आया है, और मोदी जी के आने के बाद, अमित शाह जी के आने के बाद तो इतना बुरा हाल कर दिया है। ईडी, आईटी, सीबीआई, झूठे केसेस, ये क्या है? पत्रकारों को उठवाते हैं अभी वर्तमान सरकार वाले? जैसे तुमको नहीं मालूम। बस इतनी ही मुलाकात थी दिग्विजय सिंह जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया हमें। धन्यवाद।